1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, लेकिन आज तक लगभग 53 वर्षों के बाद भी भारत देश से गरीबी नहीं हटाई जा सकी। 2030 तक गरीबी हटाने का लक्ष्य भी भारत देश के पास है, लेकिन क्या 2030 तक भारत देश को गरीबों से मुक्त किया जा सकता है? यह एक बड़ा सवाल है। एक राष्ट्र गरीबी के चक्र में तब फंस जाता है जब आबादी का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय तक जीवन की सबसे जरूरी चीजों से भी वंचित रहता है। अगर न्यूनतम जरूरतें पूरी नहीं होती हैं तो व्यक्ति को दर्द और तकलीफ से गुजरना पड़ता है। बीमारी और विकलांगता से उसे जीवन के सभी पहलुओं को असहाय बना देती है। पीढ़ी दर पीढ़ी व्यक्ति गरीब भी हो जाता है और गरीबी में पलता है और गरीबी में ही मरता है। आबादी या तो प्रजनन करती है या खुद को बढ़ाती है, इसलिए गरीबी दूर करने के उपायों को लागू करना बेहद जरूरी है। कैसे भारत देश को गरीबी से मुक्त किया जा सकता है? सबसे पहले आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ। गरीबी दूर करने का पहला उपाय है आर्थिक विकास, दर में तेजी लाना। तेज आर्थिक विकास से देश के लोगों की आर्थिक स्थिति अपने आप सुधर सकती है, जिससे गरीबी और कम हो सकती है। इसके अलावा तेज आर्थिक विकास वाली कंपनी बड़ी मात्रा में सामान और सेवाओं का उत्पादन कर सकती हैं, जिससे लोगों को रोजगार के बड़े अवसर मिलते हैं और उन्हें हाई इनकम जनरेट करने में मदद मिलती है। कृषि विकास, 1951 से देश की आर्थिक योजना में कृषि विकास को शामिल किया गया है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को केवल कृषि विकास के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है, इसलिए कृषि विकास पर अधिक जोर देना और कृषि उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ावा देना आवश्यक है। ऐसा करने के लिए भारत सरकार को सिंचाई सुविधाएं, छोटे और गरीब किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न कदम उठाने चाहिए। अधिक रोजगार के अवसर। गरीबी एक ऐसी स्थिति है जब लोग अपनी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, इसलिए गरीबी को कम करने के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां और लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार पैदा किया जा सकता है। अगर लोग साक्षर होंगे और उन्हें उच्च शिक्षा मिलेगी तो उन्हें नौकरी भी मिलेगी, इसलिए लोगों को अधिक विविध शिक्षा सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए और साथ ही निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होने चाहिए। ये कार्यक्रम शिक्षित बेरोजगार लोगों को अपना कौशल विकसित करने और नौकरी पाने में मदद करेंगे। तो ये कुछ प्रमुख उपायों पर अगर सही तरीके से काम किया जाए तो गरीबी खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपको क्या लगता है, कैसे गरीबी को खत्म किया जा सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।